नमस्कार दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने न केवल असेसमेंट की प्रक्रिया को फेसलेस किया बल्कि अपनी अपीलेट प्रोसेस को भी फेसलेस रिजीम में कन्वर्ट कर लिया। अब इसका मतलब यह है कि जब पहले की अपीलेट प्रक्रिया में एक करदाता को किसी असेसमेंट ऑर्डर पर यदि प्रॉब्लम थी और उन्होंने सीआईटी अपील्स में अपील फाइल करी तो उन्हें स्वयं या अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट या अपने टैक्स एडवोकेट के थ्रू सीआईटी अपील के समक्ष अपनी बात रखने जाना होता था। लेकिन अब जैसा कि मैंने कहा कि यह प्रक्रिया भी फेसलेस अपील में चली गई तो आपको ऑनलाइन ही अपने अपीलेट सबमिशन देने। अनफॉर्चुनेटली पिछले दो सालों में कोरोना के चलते ऐसे सारे केसेस जो कोरोना काल से पूर्व या कोरोना काल में सीआईटी अपील्स में ऑनलाइन अपील के रूप में फाइल किए गए उनकी हियरिंग लगभग ना के बराबर रही और असेसीज इस पेशोपेश में रहे हैं या असेसीज को यह कंफ्यूजन रहा कि अनुप जी मैंने एक अपील फाइल कराई थी लेकिन अभी तक उस अपील की हियरिंग ही नहीं आ रही। अब जाकर के ये अपीलेट मैकेनिज्म मजबूत हुआ है थोड़ा सा। मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसके परिणाम मुझे भी अभी देखने बाकी हैं और मैं ये थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस क्यों ले पाया हूं, क्योंकि दोस्तों रिसेंटली ऐसे सारे केसेस में जहां असेसीज की सीआईटी अपील के समक्ष अपील फाइल है जो कि फर्स्ट अपीलेट स्टेज कहलाती है, उन करदाताओं को एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से ईमेल आया और उस ईमेल के अंतर्गत उसके साथ लगा एक अटैचमेंट आया जिसमें एक एनेबलमेंट ऑफ कम्युनिकेशन विंडो की बात की गई। ये एनेबलमेंट ऑफ कम्युनिकेशन विंडो क्या है, किस प्रकार ये दिख रहा है, अटैचमेंट का क्या शेप है और इससे आप क्या इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं या आप इसका एज एन अपॉर्चुनिटी क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बात लेकर के इस वीडियो के थ्रू मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करता हूं कि आपका जो भी मेल आईडी आपकी अपील में लिखा हुआ था उस मेल आईडी पर डू नॉट रिप्लाई एट द रेट इनकम टैक्स डॉट जीओवी डॉट इन से एक मैसेज आया। वो मैसेज में करदाता का नाम लिख करके डियर टैक्स पेयर लिख करके प्लीज फाइंड अटैच द एनेबलमेंट ऑफ कम्युनिकेशन विंडो फॉर पैन सो एंड सो असेसमेंट ईयर सो एंड सो, यानी आपके रिस्पेक्टिव पैन पर यदि अपील फाइल है तो आपको इस प्रकार की एक मेल आपके मेल आईडी पर या आपके कंसल्टेंट की यदि मेल आईडी है तो उस पर इस प्रकार का एक मैसेज गया है जो एक प्रकार की सूचना है कि डिपार्टमेंट ने एक एनेबलमेंट ऑफ कम्युनिकेशन विंडो किया है आपके इस पैन के लिए फॉर द रिस्पेक्टिव असेसमेंट या इन फॉर्म ऑफ एन अटैचमेंट। ये अटैचमेंट क्या है ये आगे देखते हैं। अब दोस्तों जब आप ये अटैचमेंट खोलेंगे तो एक पीडीएफ फाइल आपके कंप्यूटर पे खुलेगी जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से ये अटैचमेंट बनाया गया है। यहां आपका एड्रेस और आपका नाम मिलेगा, आपका पैन, कौन से असेसमेंट ईयर के लिए आपका अपील है, किस दिन नंबर एंड लेटर नंबर से आपको ये पर्टिकुलर लेटर इशू किया गया, कौन सी डेट को। बहुत छोटा सा है, संक्षिप्त, केवल दो लाइनर। पहला, द कम्युनिकेशन विंडो विद सीआईटी अपील, सीआईटी ए का मतलब है दोस्तों सीआईटी अपील हैज बीन एनेबल्ड। सीधी सी सूचना एसएससी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से कि आपका जो कम्युनिकेशन विंडो, अब कम्युनिकेशन विंडो क्या है, यानी ऑनलाइन कम्युनिकेशन जो एसएससी और डिपार्टमेंट के बीच सीआईटी अपील के बीच चलेगा वो कम्युनिकेशन विंडो एनेबल कर दी है, यानी उसको टेक्निकली एनेबल कर दिया गया है, मैं ऐसा मानता हूं। यानी अब आपके केस में सीआईटी अपील के साथ में आपका जो भी इंफॉर्मेशन का लेना देना है वो शुरू हो जाएगा। यानी सीआईटी अपील आपको डेट देंगे हियरिंग की, आप उस हियरिंग डेट पर या जो भी आपने अगर उसमें फर्दर और एक्सटेंशन मांगा है तो उस एक्सटेंशन डेट पर आप अपना सबमिशन स्वयं या अपने कंसल्टेंट के थ्रू फाइल करेंगे। नीचे एक डिस्क्लेमर दे दिया गया, इट इज अ सिस्टम जनरेटेड रिस्पॉन्स, यानी ये एक सूचना मात्र है, आपको इस पर एज सच प्राइमरीली किसी अथॉरिटी के सिग्नेचर की आवश्यकता यहां नहीं। अब बात कर रहा हूं दोस्तों कि आप इस कम्युनिकेशन विंडो का जो एनेबलमेंट है उसको ऑनलाइन भी चेक करना चाहें तो कैसे चेक करेंगे। कि मैं मान लेता हूं मैंने किसी करदाता के केस में इनकम टैक्स लॉगिन किया, यहां उनका नाम लिखा आएगा, यहां पर भी इनकी एक इनिशियल डिटेल्स यहां पर देखने को मिलेगी, कौन सा असेसमेंट ईयर है। मैं पेंडिंग एक्शन में गया सर, मैंने उस पर क्लिक किया तो मुझे ई प्रोसीडिंग्स पर जाकर के क्लिक करना है ताकि मैं कम्युनिकेशन विंडो के एनेबलमेंट को चेक कर पाऊं। वहां मैं ई प्रोसीडिंग्स में जब जाता हूं तो बहुत सारी
ऑप्शंस होते हैं सर के असेसी के अगेंस्ट में कोई अपील है, असेसमेंट है, क्योंकि प्रेजेंटली हम अपील से रिलेटेड मैटर डिस्कस कर रहे हैं और आपकी एक अपील फाइल्ड है ऑनलाइन, तो आपको फर्स्ट अपीलेट प्रोसीडिंग के नाम से रिलेवेंट असेसमेंट ईयर पर एक एक्टिव विंडो दिखेगी जिसमें आपका पैन नंबर और आपका नाम यहां आपको लिखा मिलेगा, कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए यानी कौन से असेसमेंट ईयर के लिए अपील है वो दिखेगा। यहां पर आप अगर क्लिक करेंगे तो आप व्यू नोटिसेस पर जाकर के आगे देख पाएंगे कि आपको कितने नोटिसेस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इश्यू कर दिए। एक और बात दोस्तों, यदि आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को, किसी टैक्स प्रैक्टिशनर को जोड़ना चाहते हैं अपनी ओर से रिप्रेजेंट करने के लिए, तो आपको यहां उनकी डिटेल इंसर्ट करनी होगी। अब देखिए यहां पर जब आपने ई प्रोसीडिंग में, फर्स्ट अपीलेट प्रोसीडिंग में व्यू नोटिसेस में क्लिक किया, तो आपके पैन नंबर, नेम और रिलेवेंट असेसमेंट ईयर फाइनेंशियल ईयर के साथ नोटिस या कम्युनिकेशन का रेफरेंस आईडी यहां दिया जाएगा। उस नोटिस को बताया जाएगा कि अंडर सेक्शन 250, बेसिकली दोस्तों ये अंडर सेक्शन 250 नोटिस आता है, यहां आपको मैसेज मिलेगा एनेबलमेंट ऑफ कम्युनिकेशन विंडो से ऑन सच एंड सच डे। ठीक है, तो जब ये विंडो आपको दिख रही है तो इसका मतलब आपके केस में यदि सीआईटी अपील में अपील पेंडिंग है, चाहे एक ईयर पर हो या अलग अलग ईयर पर हो, और आपको असेसमेंट ईयर वाइज ये एनेबलमेंट का इंफॉर्मेशन मिल रहा है। अब आपको लगता है कि ओके भाटिया जी, मैं इस अपॉर्चुनिटी का क्यों ना फायदा उठाऊं कि मैं एक रिस्पॉन्स सबमिट कर दूं, तो आपको सबमिट रिस्पॉन्स करने का भी एक ऑप्शन मिल रहा है। मैं पुनः अपनी बात यहां स्पष्ट रूप से बोलता हूं दोस्तों, सबमिट रिस्पॉन्स का मतलब ये नहीं है कि आपको हर हाल में यहां पर अपना अपीलेट सबमिशन अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंट देना है। ठीक है, ये अभी केवल एक एनेबलमेंट ऑफ कम्युनिकेशन विंडो हुआ है, यानी अभी सीआईटी अपील आपको नोटिस देंगे अपील का, और अब आपको आगे जवाब देना होगा जब भी वो नोटिस आएगा, यानी अभी के लिए जवाब देना मैंडेटरी नहीं है। पर कोई असेसी सोचता है कि अनूप जी मैंने तो ऑलरेडी एक सबमिशन फाइल किया हुआ है, क्यों ना मैं उसको दोबारा यहां फाइल कर दूं। मुझे लगता है सर कोई दिक्कत नहीं है, आपको लगता है कि मैं एक दोबारा से अपना सबमिशन भी फाइल कर सकता हूं, तो आप यहां सबमिट रिस्पॉन्स में जाके अपना सबमिशन फाइल कर सकते हैं। अब जैसे ही आप सबमिट रिस्पॉन्स करेंगे तो पहले आपको कुछ इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए मिलेंगी कि ओके थ्रू फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन यू हैव टू सबमिट योर रिस्पॉन्स। लाइक आप अटैचमेंट देना चाहेंगे तो क्या हो सकता है, फाइल का नाम क्या हो सकता है, या आपको स्कैनिंग कैसे करना चाहिए, वो सारी चीज आपको यहां इंस्ट्रक्शन को पढ़ के कंफर्म करना होगा। वंस यू कंफर्म देन यू विल बी अलाउड टू गो इन टू नेक्स्ट विंडो। अब नेक्स्ट विंडो में आपको सबमिट रिस्पॉन्स टू द नोटिस आईडी, रिस्पेक्टिव नोटिस आईडी यानी नोटिस जिस रेफरेंस से आया है, फर्स्ट अपीलेट प्रोसीडिंग यानी अपील बिफोर सीआईटी अपील, आपका पैन, आपका फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर, डॉक्यूमेंट रेफरेंस। ठीक है, देखिए आप अभी यहां कोई नोटिस अंडर सेक्शन लिखा नहीं है, वैसे ये नोटिस सेक्शन 250 में होता है, लेकिन दोस्तों अभी ये मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये पर्टिकुलर मौका वैसे तो अपीलेट सबमिशन फाइल करने का नहीं है। इस तरीके के कम्युनिकेशन का बेसिक मतलब यह है कि अब आपका फेसलेस अपीलेट एक्टिव हो गया है, फेसलेस अपीलेट प्रोसीजर एक्टिव हो गया है, आप तैयार रहिए, अब आपको सीआईटी अपील नोटिस भेजेंगे, आप जवाब दीजिएगा। लेकिन आपको लगता है कि मैं क्यों ना इसी कम्युनिकेशन विंडो में अपना रिस्पॉन्स सबमिट करूं, वो आपकी कॉल है और आपको अपने कंसल्टेंट से यहां पर राय लेनी चाहिए कि क्या किया जाए। यहां पर आपका रिस्पॉन्स में आप पार्शल रिस्पॉन्स या फुल रिस्पॉन्स देने का आपको ऑप्शन मिलेगा। अगर आपको लगता है कि हाँ साहब मुझे नोटिस दीजिए, मैं ये लिखना चाहता हूं कि नोटिस दीजिए मैं जवाब दूंगा, या आपको लगता है मेरा पहले से सबमिशन फाइल्ड है, मैं क्यों ना यहां वो सबमिशन अटैच कर दूं और रिस्पॉन्स लिख दूं, वो भी आप यहां पर कर सकते हैं। पर हो सकता है भविष्य में फिर भी आपको 250 का नोटिस आए और आपको दोबारा वो सारी सूचनाएं उनको सीआईटी अपील को प्रस्तुत करनी पड़े। रिस्पॉन्स फ्रॉम असेसी में पिछली विंडो से ही कनेक्ट करते हुए पार्शल रिस्पॉन्स, फुल रिस्पॉन्स, जो भी आपको उपयुक्त लगता है आपको यहां लिखने का ऑप्शन मिलेगा। से फॉर एन एग्जाम्पल यहां लिखा, वी आर इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग डिटेल सबमिशन फॉर योर रेफर, क्या हमने लिख दिया कि चलिए आप हमारे को नोटिस जब तक देंगे हम भी प्रोसेस में है अपना डिटेल सबमिशन बनाएंगे। आपको कोई डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं तो आप उन डॉक्यूमेंट्स को यहां पर, बहुत लंबी लिस्ट है दोस्तों, आप उस लिस्ट के रूप में यहां डॉक्यूमेंट रिलेवेंट कैटेगरी को सिलेक्ट करते हुए अटैचमेंट करने का ऑप्शन आपको मिलेगा। मेरा फिर कहना है सर कि अभी केवल विंडो एक्टिवेट हुई है, जरूरी नहीं है आप रिस्पॉन्स सबमिट करें, यदि आप करना चाहें तो आप इन ऑप्शन में से जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट लगते हैं उनको क्लिक कर सकते हैं। यहां पर देखिए दोस्तों, ये जो डॉक्यूमेंट के टाइप्स हैं, ये बहुत सारे डॉक्यूमेंट आपको यहां पर अटैचमेंट करने का ऑप्शन ऑनलाइन मिलेगा, अगर आप अटैचमेंट अटैच करना चाहें तो। ठीक है,
और आप जो रिलेवेंट और आपको लगता है कि इन लिस्ट में से मेरा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, मुझे तो कोई और ही डॉक्यूमेंट करना है, आप उसको सेलेक्ट करके फाइनली अटैचमेंट ऐड करते हुए अपना सबमिशन भी फाइल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको रिलेवेंट विंडोज की इंफॉर्मेशन भी मैंने शेयर की। तो अंत में दोस्तों मैं ये कहूंगा कि ये कम्युनिकेशन विंडो ओपन होने का जो मैसेज है वो ऐसे सभी करदाताओं के लिए खुशखबरी है जिन्होंने सीआईटी अपील्स में अपील फाइल कर रखी थी और वो इस इंतजार में थे कि मुझे एक नोटिस आवे तो मैं अपना जवाब दाखिल करूं। और अभी के लिए इस मैसेज का मतलब, इस तरीके के कम्युनिकेशन का मतलब है कि अब आप कमर कस लीजिए, नियर टर्म में आपको सीआईटी अपील से एक नोटिस आना चाहिए जिसमें आप अपना डिटेल सबमिशन फाइल कर सकते हैं और इस प्रकार आप इस इंटरप्रिटेशन को जो मैंने यहां पर डेवलप करी, साथ साथ ये भी बताया कि सबमिशन कैसे आप ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं, इस वीडियो का इस प्रकार से फायदा उठा सकते हैं। सो आई होप दिस विल बी यूजफुल टू यू। थैंक यू। जय हिंद।